यूरिया की किल्लत व कालाबाजारी को लेकर आक्रोशित किसानों ने कृषि मंत्री का बगहा के चौतरवा में किया पुतला दहन। सूबे की सरकार से पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग। न्यूज 9 टाइम्स, पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। यूरिया की किल्लत व कालाबाजारी को लेकर आक्रोशित किसानों ने बगहा के चौतरवा चौक पर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का पुतला दहन किया। किसानों का नेतृत्व करते हुए राजू उपाध्याय ने कहा कि बिहार के किसान प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हैं। सावन के महीने में भी वर्षा का अपर्याप्त होने से किसान वैसे भी परेशान हैं, जैसे तैसे धान की रोपनी कर रहे हैं। अब यूरिया, जो धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण उर्वरक है, नहीं मिल रही है। फलतः बहुत से किसान यूपी से यूरिया ला रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र में यूरिया की किल्लत के साथ कालाबाजारी का बाजार गर्म है। यह बिहार सरकार की विफलता का संकेत है। किसान कड़ी परिश्रम कर अनाज का उत्पादन करते हैं, परंतु उनके समस्याओं का समाधान करने में बिहार सरकार नाकाम साबित हो रही है। न्यूज 9 टाइम्स। किसानों की समस्या को लेकर हम लोग इतना दिन से आज जो कर हम लोग सड़क पाए हैं। किसान त्रस्त है, यूरिया की किल्लत हो रही है, कालाबाजारी के तहत दो गुना दाम में किसान किनने को मजबूर है। लेकिन बिहार सरकार कुंभकोणी दिन में सोई हुई है, इसको पता ही नहीं कि हमारे बिहार सरकार में किसान है। अगर उत्तर प्रदेश यूरिया नहीं आता तो पूरा बिहार आज त्रस्त होता, किसान खेती करने के लायक भी नहीं बचा होता अभी तक। लेकिन बिहार सरकार तो साहब डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लगता है उसमें बोगी ही नहीं है, खाली इंजन लेकर दौड़ रहा है सभी। कृषि मंत्री जो साहब आत्मनिर्भर साहब अपना ख्याल खो गया है, क्या करना है हमको, क्या जिम्मेवारियाँ है, इस पर ध्यान उसका कुछ है ही नहीं है। क्या नाम है आपका? राजू उपाध्याय। कौन सा जगह है? पथिया चौथरवा चौक है। आंदोलन हो रहा है और हम सभी लोग यूरिया कालाबाजारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान आज यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है। जो यूरिया की कीमत 266 रुपया है, वह यूरिया आज 550-600 रुपया बोरा मिल रहा है, और दूसरे प्रदेश से ला करके किसान अपना यूरिया अपने खेतों में दे रहे हैं, और जो दुकानदार भाई लोग हैं वो यूरिया नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। कौन सा जगह है? चौतरवा।